राष्ट्र राजधानी दिल्ली इस वक्त प्रचंड गर्मी की मार तो झेल ही रही है, उसके साथ साथ पानी की कटौती की मार भी अब दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राष्ट्र राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके के पास है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एक प्रचंड प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और तमाम समेत जो दिल्ली की आम जनता है वो भी यहाँ मौजूद है, हाथों में तख्तियां लेकर। केजरीवाल हाय हाय पानी से दिल्ली त्रस्त, केजरीवाल भ्रष्ट जैसे नारों के साथ यहाँ पर भी जो है प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की कटौती को लेकर राजधानी दिल्ली में जो है पानी की समस्या काफी देखने को मिल रही है। इस विषय पर लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ पर कहाँ से आया? हम कल्याणपुरी मेहरूविहार जिले से आए हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है पानी की? पानी बहुत गंदा आ रहा है और पानी कभी मतलब सुबह आधे घंटे आता है आके चला जाता है, और जितने भी आते हैं तो बहुत गंदा होता है, जिसके वजह से लीवर बहुत प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। पानी के टैंकर आ रहे हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में कोई टैंकर नहीं आ रहा है। कल्याणपुरी से आए आप? हाँ जी। कल्याणपुरी इलाके में कोई टैंकर नहीं आया, इनका कहना, और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली। आपके इलाके में कैसी दिक्कत चल रही है पानी? अरे साहब समस्या क्या, बुरा हाल हो रखा है, ऊपर से गर्मी 50 डिग्री 51 डिग्री और पानी का नहीं मिलना, तो आप समझ सकते हैं। लोग पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं, पीने की नहाने की तो बात ही छोड़ दो, इतना गंदा पानी आ रहा है। जो एक टाइम पानी आता है ना, एक ही टाइम आता है, उसमें भी सीवर का पानी मिल के आता है, अब बताओ वो किस काम का है? वो टंकियों में छोड़ दिया और टंकियां पूरी खराब होगी तो बहुत बुरा हाल है साहब। उसी के लिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी समझ में तो आना नहीं, क्योंकि उसको तो एक ही है कि पब्लिक को भरम में डालो, पब्लिक को बहकाओ, परिवार को झांसा दो और अपना वोट लो, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं। तो साहब बहुत बुरा हाल है, और ये किस तरह ठीक होगा? जब तक ये जाएगा नहीं, यहाँ इलाज नहीं है। तो लोगों का कहना है कि पानी जो आता है वो भी काफी गंदा आता है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिखर राय जी मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, कल भी एक प्रदर्शन किया गया आतिशी के घर के बाहर मटका फोड़ा, आज एक और प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन के बाद क्या होगा, क्या समस्या सॉल्व होगी? देखिए हम विपक्ष में हैं, हमारा काम सरकार को जागरूक करना है, उसको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जताना है, चेताना है, ताकि जो उनको करना चाहिए था वो कर लेते समय। आज हम अपना रोल बड़े बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि ये सरकार जिसके मुखिया भ्रष्टाचार के अंदर जेल में बंद और कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने वाला, उनसे पूछना चाहते हैं क्या किया आपने दिल्ली को, आज इस हालत में ला करके खड़ा कर दिया है कि साथ साथ 8-8 दिन से इलाकों में पानी नहीं आ रहा है, और आप कह रहे हैं 16-19 का एक नंबर दे दिया, कॉल करिए टैंकर, टैंकर कहाँ से आएगा? जब आप कह रहे हो पानी नहीं है, टैंकर कहाँ से भर करके देंगे? केवल और केवल झूठ, और झूठ के पुलिंदे बांध करके इन्होंने ये 10 साल सरकार को चलाया। आती जो है आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है, उनका कहना है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसी जगहों से जो पानी रोका जा रहा है, वहां से पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। मैं याद करा दूं, जब दिल्ली में आती है ना तो ये कहते हैं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, अब जब किल्लत इनकी वजह से हो रही है, नॉन प्लानिंग की वजह से, तो कह रहे हैं हरियाणा ने। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट जाओ, ये काम आपको आज से पहले करना चाहिए था ना, दिल्ली को इस हालत में छोड़ करके पूरी भरी गर्मी में अब कह रहे हो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ये सॉल्यूशंस नहीं होते। किसी प्रॉब्लम को क्रिएट जब आपने किया है, अब आप कह रहे हैं हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, ये सरकार चलाना नहीं होता। केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है, साथ में सहयोग मिलके जो है काम करना चाहिए था ना, जब बाहर आए थे तो पहले दिल्ली के पानी की समस्या को ठीक कर लेते, रादर देन प्रचार के अपने हीरो बनने की कोशिश जो कर रहे थे, उसकी वजह बजाय दिल्ली को जो प्रॉब्लम आने वाली थी उस पे क्यों नहीं मीटिंग्स की? प्रदर्शन के जरिए क्या मांग है आप? प्रदर्शन के जरिए हम बताना चाहते हैं कि भैया तुम विफल हो और अभी भी सॉल्यूशन दो, पानी दो, हमारा तो काम है मांगना कि पानी दो दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता जो है काफी त्रस्त है पानी की मांग को लेकर, लगातार यहाँ पर लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की आम जनता यहाँ पर मौजूद है। 50 डिग्री टेम्परेचर के बाद पानी की कटौती की मार भी जो है दिल्ली की जनता झेल रही है। यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही में जो अन्य भाजपा लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो भी आपको दिखेंगे मंच के ऊपर भाषण देते हुए। योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल समेत अन्य जो भाजपा के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आए हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर कहाँ से आए हैं? लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर में क्या दिक्कत चल रही है पानी को? पानी तो सीवर का पानी आ रहा है पीने के लिए।
टैंकर तो आते ही नहीं वहाँ। कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबमर्सिबल का पानी पी रहे हैं। सबमर्सिबल का पानी पी रहे हैं, ठीक है। और भी लोग आए हैं सर, कहाँ से आए? हम जमुनापार से आए हैं। जमुना पार में क्या दिक्कत हो रही पानी? बहुत पानी की दिक्कत है, गंदा पानी आ रहा है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। हाँ, और टैंकरों से जो पानी आ रहा था वो भी बंद हो गया। तो भाजपा के प्रदर्शन में आए, क्या कुछ मांगे हैं? हमारे पानी की मांगे हैं और सरकार बदलनी है हमें। केजरीवाल जेल में चला गया है, अब 2 तारीख को फिर चला जाएगा, तो उसके बाद में ये सरकार गिर जानी चाहिए। सरकार कह रही कि अभी राजनीति का समय नहीं है, मिलजुल कर काम करना चाहिए। नहीं नहीं, मिलजुल के नहीं होगा। केजरीवाल ने भी जब और सरकारें थी उसने भी 1000 प्रदर्शन किए पानी के लिए, बलात्कार के लिए, तो उसको भी पता है कि प्रदर्शन से सरकार बदलती है, तो प्रदर्शन से सरकार बदलेगी। संकेत और देना चाहेंगे, विपक्ष लगातार कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, लेकिन आप भाजपा की रैली में आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले धर्म को राजनीति में लाने वाली कांग्रेस पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी है। बीजेपी ने तो अपना हिंदू वोट मांग रहे हैं ना, और मुस्लिमों को साथ लेके चल रही है, तो सबसे पहले राजनीति में लाने वाली ना धर्म को वो कांग्रेस ही है। सर आप कहाँ से आए? मैं सादरा से आया हूँ, जनता कॉलोनी। दिक्कत पानी की बहुत जबरदस्त समस्या है, क्योंकि पानी आधा घंटा आता और वो भी गंदा पानी आ रहा, इसलिए हम पानी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, क्योंकि इसने जो है केजरीवाल ने वादा किया था घर घर पानी पहुँचाऊंगा, लेकिन घर घर पानी तो नहीं पहुँचा, लेकिन शराब जरूर पहुँचा दी थी घर घर। इसलिए हम चाहते हैं तू जेल से छूट के आया था, एक बार 1 घंटे के लिए कुछ पानी पे भी कुछ एक्शन प्लान बना लेता कोई अपने मंत्रियों के साथ बैठ के, लेकिन वो प्रचार में लग गया, अपनी बेल के चक्कर में लग गया, लोगों की नहीं सोचता वो केवल अपनी सोचता। इसलिए हम चाहते हैं वो या तो इस्तीफा दे, नहीं तो लोगों की समस्या को सुलझाए। तो वापस जेल जा रहे हैं, फिर क्या लगता है समस्या कौन सुलझाएगा? समस्या इस्तीफा दे, समस्या अपने आप सुलझ जाएंगी, एलजी अपने आप सुलझ जाएंगे हमारे, तो ये इस्तीफा तो दे कम से कम। इस्तीफा देने से पानी आ जाएगा दिल्ली? बिल्कुल आएगा एलजी, चाहे हमारे पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जब पानी किल्लत हुई थी तो वो उत्तराखंड से लेके पानी यहाँ आए थे हरिद्वार से, तो ये भी लेके आएंगे जो हमारे एलजी, वो कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे और पब्लिक समस्या का हल करेंगे। जब भी तो अगर जब इस्तीफा दे, अब ये चोरी सीना चोरी, जेल से कोई सरकार चलती? जेल से माफिया गर्दी चलती, जेल से गुंडे सरकार चलाते, तो ये गुंडा थोड़ी है, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए और लोगों की समस्याओं का हल करना चाहिए। और लोगों का कहना है कि जब तक केजरीवाल जो है इस्तीफा नहीं देंगे इनकी समस्या हल नहीं होगी। बहरहाल आपके इलाके में क्या कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है, अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दिल्ली से विशाल सिंह।